फर्स्ट इंडिया न्यूज और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। काफी सरगर्मियां तेज दिखाई देती हैं, कभी भी नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा भी हो सकती है। जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है, प्रदेश अध्यक्ष के लिए चौंकाने वाला नाम सामने आया है। राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ब्राह्मण चेहरे के रूप में पंचारिया की ताजपोशी हो सकती है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी आदिति नागर भी जुड़ गई। आदिति, जो पहले चर्चा हो रही थी कई नामों पर, लेकिन ये नाम जो सामने आ रहा है एकाएक, ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ एक ब्राह्मण चेहरे की जो जरूरत की हम बात कर रहे थे उसकी वजह से ये नाम चर्चा में? सुषमा, देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष की खोज तो चली रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत तरह तरह के नाम पंच की तरफ से भी आए, तमाम लोगों की तरफ से आए, लेकिन जो दिल्ली में नाम है उसमें ब्राह्मण चेहरों पर चल रही है बातचीत, जिसमें अभी फिलहाल जो राज्यसभा सांसद है नारायण पंचारिया, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है, जोधपुर से आते हैं। और जो केंद्र के संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं वो लगातार, जिसमें मैं कहूंगी कि बहुत सारे नेता हैं, भूपेंद्र यादव का भी नाम है, जो नारायण पंचारिया के नाम को लेकर फिलहाल यहाँ पर नाम उन्होंने सबसे आगे किया हुआ है। हालांकि सीपी जोशी एक ऐसा नाम है जो कि ब्राह्मण चेहरे हैं, सीधा सा चेहरा है, और कहीं ना कहीं जो हमेशा एक फ्रिक्शन नजर आता है केंद्र और राज्य के बीच में, उसको साधने में काफी मददगार हो सकते हैं, वो सीपी जोशी एक नाम है। इसके अलावा तीसरा नाम एक भजन लाल शर्मा है, उनका नाम भी इस रेस में शामिल है। हालांकि आपको बताएं, अगर कुछ दिन पहले जब जाटों की बात थी कि जब जाट चेहरा अगर यहाँ पर इस कुर्सी पर बैठता है तो उसमें सतीश पूनिया का नाम सबसे आगे था। इसके अलावा अगर ब्राह्मण चेहरे की और बात करें तो अरुण चतुर्वेदी खुद दिल्ली में लगातार थे भी, और वो उनका कहीं ना कहीं सोर्सेस का मानना है कि वो खुद भी बनना चाहते हैं इस रेस में। लेकिन जिस तरीके से अभी तक मोदी अमित शाह सरप्राइज देने में, हर मुद्दे पर सरप्राइज देते हैं, इसलिए ये एक मुद्दा ऐसा है जिसमें सरप्राइज बन सकता है, और उसी सरप्राइज की कड़ी में एक नाम भी शामिल था। अच्छा आदिति, जैसा आप बता रही है, अब ऐसा लगता है कि शायद जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये जरूरत यहाँ पर महसूस की जा रही है कि किसी ब्राह्मण चेहरे को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि अगर हमने देखे, अगर मोदी मंत्रिमंडल को देखे तो वहां पर जाट और राजपूत का जो कॉम्बिनेशन है और बाकी चीजों को देखते हुए ये शायद एक बड़ी संभावना नजर आती है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि देखिए, जब चुनावी राज्य जब होता है तब जाहिर तौर पर जाति समीकरणों को बैलेंस किया जाता है, इसलिए हमेशा राजपूत हावी होते हैं, राजपूत और जाट का कॉम्बिनेशन को बैलेंस किया जाता है। लेकिन फिलहाल 3 साल राजस्थान में ना चुनाव है ना कोई इस तरह की हालात होंगे, तो ऐसे में ब्राह्मण एक न्यूट्रल ऐसा कास्ट होती है जिसको बनाकर 3 साल संगठन को मजबूत और संगठन में काम हो सकते हैं। फिर चुनाव में जब केवल 2 साल रह जाएंगे तब जरूर सोशल इंजीनियरिंग करके, जाति समीकरण को बैलेंस करके यहाँ पे एक दूसरा चयन हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो सूत्र दिल्ली की गलियारों में बता रहे हैं उसमें नारायण पंचारिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। अच्छा, वैसे में पंचारिया अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो उनके एक्सेप्टेंस को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, एक्सेप्टेंस का मुद्दा ही नहीं है। केंद्र आजकल, अगर आपने ट्रेंड देखा होगा तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मोदी तय कर लेते हैं आजकल वही एक्सेप्ट किया जाता है, और वो जरूरत भी है। तो ऐसे में अगर केंद्र तय कर लेगा और राज्य के भी सीनियर लीडर से बातचीत करके, संघ से राय मशवरा करके कर लेगा, तो कार्यकर्ताओं को केंद्र की डिसीजन को फॉलो करना होगा, और नारायण पंचारिया अभी केंद्र के प्रदेश के कार्यकर्ता हैं। ऐसे में अगर नारायण पंचारिया बनते हैं तो पूरा संघ का ये बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा कि संघ किस तरीके से संगठन के साथ मिलके, नारायण पंचारिया के साथ मिलके संगठन की मजबूती का काम करता है, और आगे आगामी जितने भी चुनाव आने वाले हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हो, दूसरे चुनाव हो, उसमें बेहतर प्रदर्शन करें। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा था, जैसा अभी कुछ वक्त पहले मैं देखा था कैलाश विजयवर्गीय आए थे और अठावले भी आए थे, उन्होंने कहा था कि कर्नाटक जैसी स्थिति राजस्थान में भी बन सकती है, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी के तहत ब्राह्मण चेहरा अगर यहाँ पर बीजेपी जिम्मेदारी सौंपती है किसी ब्राह्मण चेहरे को, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगी? अदिति, क्या आपको आवाज मिल रही है? तो हम तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए कितनी ज़्यादा असमंजस की स्थिति पहले देखने को मिली थी, जब एक नाम केंद्र की तरफ से रखा गया था जिस पर राज्य की तरफ से सहमति नहीं बन पा रही थी, और उसके बाद मदन लाल सैनी का नाम सामने आया था, काफ़ी टाइम उसमें लग गया था, बहुत ज़्यादा वक्त के बाद एक नाम तय हुआ था, लेकिन मदन लाल सैनी के निधन के बाद फिर से ये कुर्सी जब खाली है तो इस पर मंथन किया जा रहा है, तमाम तरह के समीकरण यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है, नारायण पंचारिया का। और एक बड़ी